सो हे गाइस, वेलकम टू दी रैश केयर। स्वागत है आपका रैश केयर के इस एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जिस बाइक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये है यमा की ऑल न्यू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ MT-15। अब यमा वाले रेडी है इस बाइक के 2021 वाले वेरिएंट के लिए, जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े अपडेट्स देखने मिले हैं। क्या कुछ आपको नया इस नई वाली MT-15 में देखने मिलने वाला है, तो सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। तो मेक श्योर पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ब्रेकिंग ड्यूटीज के बारे में। तो गाइस, प्रीवियसली जो MT-15 आती थी, उसके फ्रंट एंड रियर में दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की जा रही थी। फ्रंट में आपको 282 mm की डिस्क ब्रेक देखने मिलती थी और पीछे आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक देखने मिलती थी। तो ये जो डायमेंशन है डिस्क ब्रेक के, ये आपको सेम ही देखने मिलेंगे इस नई वाली MT-15 में। लेकिन जो एक मेन चेंज आपको देखने मिलेगा इसके ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर, वो ये है कि गाइस, प्रीवियसली आपको सिंगल चैनल ABS इस बाइक में ऑफर किया जा रहा था, लेकिन अब जो इस बाइक का 2021 वाला नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, उसमें आपको फाइनली ड्यूअल चैनल ABS के साथ आपको MT-15 देखने मिलने वाली है। तो ये एक बड़ा अपडेट आपको इस बाइक के साथ देखने मिलेगा इसके ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर। और गाइस, कुछ टाइम से यमा वाले अपनी सभी बाइक्स के सेफ्टी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे बड़े चेंज के बारे में, जो कि बहुत बड़ा चेंज होगा गाइस। जैसे आपको यमा की जो R15 वर्जन 4 और R15 M है, उसमें आपको जिस तरह का अपडेट देखने मिला है, उसी तरह का एक अपडेट आपको MT-15 में देखने मिलेगा इसके डिजाइन को लेकर। यमा की जो MT-07 आती है, बताया जा रहा है उसी तरह की जो उस बाइक में जो हेडलाइट डिजाइन आपको दी जा रही है, वही सेम डिजाइन आपको इस नई वाली MT-15 में देखने मिलने वाली। हे गाइस, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हो कि भाई, आप अपने डेली के जो भी कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसिव है, वो किस तरह निकालते हो। तो गाइस, ये सब पॉसिबल हो पाता है इसी एप्लीकेशन के कारण, जिसका नाम है बिनोमो। तो चलिए प्रैक्टिकली दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह मैं अर्निंग करता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक है रियल अकाउंट, दूसरा है डेमो अकाउंट। मैं यहाँ पर अपने रियल मनी से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रियल अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर मैं 1 सेकंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 3500 को सिलेक्ट करूँगा। अब आपको प्रिडिक्शन करना है कि जो ग्राफ ये अप जाएगा या डाउन, तो मुझे लगता है जो ग्राफ ये डाउन जाएगा, तो मैं यहाँ पर डाउन पर क्लिक कर दूँगा। एंड उसके बाद मुझे कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पैसे अर्न कर लिए। जो भी पैसे आप लोग यहाँ से अर्न करते हो, उसे डायरेक्टली आप लोग अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल भी कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन का जो सपोर्ट सिस्टम है, वो भी बहुत अच्छा है। तो इन फ्यूचर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिनोमो एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए अगर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, तो फ्री में डेमो अकाउंट में आपको $1000 मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। एंड उसके बाद अपने रियल अकाउंट से, तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और इस बात में कोई शक नहीं है कि यमा वाले अपने प्रीवियस बाइक की डिजाइन को ही वो लोग अपने स्मॉलर सेगमेंट की बाइक्स में उनमें इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। जो इनकी हायर सेगमेंट की बाइक है, उनकी डिजाइन को उठाकर वो लोग अपने इन छोटी सेगमेंट की बाइक्स में डिजाइन ऑफर कर रहे हैं। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, वही सेम हेडलाइट डिजाइन आपको देखने मिलेगी, जिससे इस बाइक का जो फ्रंट लुक है, वो और भी ज्यादा शार्प होने वाला है और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्मर लुक आपको इस बाइक के फ्रंट में देखने मिलने वाला है। और गाइस, बताया जा रहा है इस बाइक के जो एरोडायनामिक्स है, उसको भी लेकर काफी ज्यादा चेंजेस किया जाएगा, यानी कि जो साइड फेयरिंग होने वाली है, वहां पर आपको थोड़े बहुत बदलाव देखने मिल सकते हैं। वहीं बात करें इसके टेल लाइट सेक्शन के बारे में, तो गाइस, ये बताया जा रहा है सिमिलर ही होगा, जो आपको प्रीवियसली MT-15 में देखने मिलती है टेल लाइट्स, उसी तरह के रेयर डिजाइन के साथ ही आपको ये नई वाली MT-15 देखने मिलने वाली है। अब बात करते हैं गाइस, इस बाइक में क्या इंजन को लेकर कोई चेंजेस किया जाने वाला है या फिर नहीं। तो गाइस, जो प्रीवियसली MT-15 BS6 आती है, उसमें आपको 155cc डिस्प्लेसमेंट के साथ सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको ऑफर किया जा रहा है। और जो मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क आपको इस इंजन में देखने मिलता है, वो है 18.5 PS का आपको मैक्सिमम पावर देखने मिलता है 10,000 RPM पे, और 13.9 Nm का पीक टॉर्क देखने मिलता है 8,500 RPM पे। तो गाइस, ये जो नई वाली MT-15 आ रही है गाइस, इसमें बताया जा रहा है इंजन को लेकर कोई चेंजेस नहीं होगा। आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, जो यमा की R15 आई थी, उसमें भी इंजन को लेकर अपडेट्स नहीं किए गए थे, बल्कि उसमें जो पावर है वो 0.1 या 0.2
TS के आसपास कम हो गया था और जो टॉर्क है वो 0.1 न्यूटन मीटर इंक्रीज हो गया था। तो उसी तरह के छोटे मोटे अपडेट्स आपको इसके पावर आउटपुट्स में देखने मिल सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट इस बाइक की जो परफॉर्मेंस होगी वो सेम ही आपको MT-15 BS6 के तरह ही देखने मिलेगी। अब बात करते हैं इस बाइक के और एक बड़े चेंजेस के बारे में। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि ये अपडेट सुनकर जो MT-15 के फैंस है वो खुश होने वाले हैं, वो है इस बाइक के सस्पेंशन को लेकर। जी हाँ गाइस, फाइनली आपको इस बाइक के फ्रंट में अपसाइड डाउन फोर्क देखने मिल जाएंगे और जो रियर सस्पेंशन होगा वो आपको सेम ही देखने मिलेगा, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं देखने मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो फ्रंट सस्पेंशन होगा इस बाइक का उसमें आपको चेंजेस देखने मिलने वाले हैं। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वाली अपडेट सुनकर आपको कितनी खुशी हुई, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात करें तो गाइस इस बाइक की जो प्राइस बताई जा रही है, प्रीवियसली जो MT-15 BS6 आती थी उससे पकड़ के चलो 10 से लेकर 20,000 तक इस बाइक की प्राइस इंक्रीज होगी। और वहीं बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में तो गाइस ऐसा बताया जा रहा है इसी साल के एंडिंग से पहले पहले दिसंबर या नवंबर के आसपास ये बाइक ऑफिशियली लॉन्च होते हुए दिख सकती है। लेकिन गाइस अभी रिसेंटली ही यामाहा वालों ने R15 के वर्जन 4 को लॉन्च किया है, तो हो सकता है इस बाइक को यामाहा वाले अगले साल स्टार्टिंग में भी लॉन्च कर सकते हैं। बाकी इस बाइक से रिलेटेड और कोई भी न्यूज आती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर कर दूंगा। बस आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और जो बाजू में आपको बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है उसको आपको ऑल पर सिलेक्ट करना है, ताकि जैसे ही मैं इस बाइक की कोई भी अपडेट आए और वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।